आज आपको बताते हैं एक आसान सा उपाय, नीम के पत्तों से किस तरह से आप अपने दुश्मन को दूर कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का ये वीडियो हमारे उन भक्तों के लिए है जो कि करना चाहते हैं अपने दुश्मनों को अपने आप से दूर। जी हाँ, आपके दुश्मन जाएंगे आपसे दूर हमेशा के लिए, आपकी सभी समस्याएं हो जाएंगी खत्म। जी हाँ, अगर आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपके दुश्मन आसानी से बन जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बोलने का तरीका ऐसा होता है या फिर हम अच्छा बोलते हैं लेकिन तब भी लोग हमसे नफरत करने लगते हैं, कई बार हमें देखकर लोगों को जलन होने लगती है और वो हमसे नफरत करने लगते हैं, हमारे दुश्मन बन जाते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने दुश्मनों को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं। आज आपको बताते हैं एक आसान सा उपाय, नीम के पत्तों से किस तरह से आप अपने दुश्मन को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, नीम के पत्ते आपको लेने हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक आपको नीम का पत्ता लेना है जिसमें कि 9 पत्ते हों। जी हाँ, अगर आप इस तरह की एक डंडी तोड़कर लाते हैं और उसमें अगर नीचे और पत्ते लगे हुए हैं तो आप उसे निकाल दीजिए। 9 पत्तों का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये आपके 9 ग्रहों के 9 पत्ते हैं। अब आपको क्या करना है दूसरा कार्य, वो मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो ग्रह होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए दुश्मन कारक होते हैं, वो ग्रह होते हैं मंगल और शनि और सूर्य। ये 3 ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो आपके जीवन में आपके दुश्मन जल्दी बनते हैं और कई बार आपकी बुध ग्रह की वजह से भी समस्याएं बढ़ती रहती हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं और अगर आपके भी दुश्मन बनते रहते हैं तो आप अपने दुश्मनों से खुद को बचा सकते हैं। आपको एक कागज की भी जरूरत पड़ेगी और एक पेन की जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये जो नीम है, नीम पर आपको लिखना होगा ओम। जी हाँ, हर पत्ते पर आपको लिख देना है इस तरह से ओम। ओम लिखिए और जितनी बार ओम लिखेंगे ओम बोलते भी जाइए। ओम बोलने से क्या होता है, जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ओम की शक्ति को दुनिया मान चुकी है। ओम आपको लिख देना है 9 पत्तियों पर और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है इन पत्तियों को आपको अपने सामने रखना है और उसके बाद आपको मन में अपने दुश्मन का नाम लेना है। जो भी आपका दुश्मन है, जो भी आपसे प्रेम नहीं करता, आपको गलत निगाहों से देखता है, आपको उसका नाम अपने मन में सोचना है और ये उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन। जी हाँ, मंगलवार के दिन आप इस तरह से पत्तियों पर ओम लिखें और अपने दुश्मन के बारे में विचार करें। सबसे अच्छा समय है इस कार्य को करने का कि आप रात्रि में 10 बजे आप इसे कर सकते हैं, 10 से 12 बजे के बीच में आप ये उपाय कर सकते हैं। इन पत्तियों पर ओम लिखने के बाद आपको इन पत्तियों को इस तरह से उल्टा कर देना है और उल्टा करने के बाद इनके पीछे आपको बनाना है स्वास्तिक का निशान। हर पत्ती पर इस तरह से आपको स्वास्तिक का निशान बना देना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सब पे स्वास्तिक का निशान बना दिया है। इस तरह से आप भी इस पर स्वास्तिक का निशान बनाइए। और अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा मंत्र, जो मंत्र आपको करना है। ये जो कागज हमने शुरू में लिया था, इस कागज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कागज पर आपको लिखना है ओम सूर्याय नमः। जी हाँ, सूर्य ग्रह का ये उच्चारण करना है। नीम और सूर्य को एक लाना है आपको और उसके बाद आपको इस पत्ती से, पत्ती का इस्तेमाल करना है और उसके बाद सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। जी हाँ, ये जो पत्ती है, इस पत्ती को आप अपने सामने रखिए। इस पत्ती को आपको फेंकना नहीं है, आपको इसे संभाल कर कहीं पर रख देना है और ये जो मंत्र है ये आप याद कर लीजिए। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना होगा।
अब हम इसमें तीसरी चीज जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या इस्तेमाल होगा। जी हाँ, इसके बाद एक और चीज हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और वो है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च का इस्तेमाल आपको करना है। तो आपको लेने हैं सिर्फ गिनकर 9 दाने। जी हाँ, इस तरह से आप 9 दाने अपने सामने रख लीजिए। और आपको नीम की पत्ती पर इन दानों से बोलते जाना है, ओम सूर्याय नमः, 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 ओम सूर्याय नमः। हर पत्ती पर आपको 9 बार करना है, यानी कि 9-9 बार 9 पत्तियां, आपका हो गया 81 बार। 81 बार इसे पढ़ने के बाद आपको काली मिर्च, कागज और ये नीम की पत्तियां जो हैं, इनको एक छोटे से कागज के अंदर ही आपको इस तरह से मोड़कर रख लेना है। और दोस्तों, आपको इसे चौराहे पर जाकर छोड़ाना है। जी हाँ, चौराहे पर जाइए और ये पूरे सामग्री को आप वहां पर छोड़ाइए। पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है, इस तरह से आपका दुश्मन आपके जीवन से दूर चला जाएगा और आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। इस उपाय को कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो हमारे नंबर पर हमें कॉल लगाइए, हम आपको आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भक्तों।